नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ मेघा कौशिक। दोस्तों, हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया, बताते हैं आपकी परेशानियों का हल, क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, दिन की शुरुआत अगर राशि जानकर की जाएगी तो यकीनन आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो बुधवार को यानी आज हम आपको बताएंगे कि आपके दिन को सफल बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना है, साथ ही एकादशी विशेष गुड लक टिप्स भी बताएंगे। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो बिना देर किए शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले आपका आज का राशिफल। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल, आपके ग्रहों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज किए जाने वाली कामिका एकादशी व्रत, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कामिका एकादशी, उसके महत्व के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम से काम रखिएगा, दूसरों के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होने से बचिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके जो जरूरी काम है वो अधूरे रह सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई नया काम शुरू करने की बजाय जो आपका रेगुलर रूटीन वाला काम है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा, और जहां तक पॉसिबल हो, संभव हो, समझौते का, सहयोग का मन बनाकर चलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए वृद्धाश्रम में जाकर अनार के फलों का दान कर दीजिएगा, एकादशी की तिथि है, वो बेचारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अगर आप कुछ दान कर देंगे फलों का तो निश्चित तौर पे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज मधुर शब्द, मधुर वाणी, शांत मन आपके दिन को अच्छा बना सकता है। यदि आपके जो रुके हुए काम हैं उनको पूरा करने में एफर्ट्स लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो रुके हुए काम आज पूर्ण हो सकते हैं। इट विल बी मच बेटर डे फॉर यू। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाइएगा और फिर दिन की शुरुआत कीजिए, देखिए कैसे सफलता आपके कदमों को चूमती है। जी, तो बिल्कुल मन को शांत रखिए, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, कॉल लेते हैं चित्तौड़गढ़ से सोहन लाल जी का, जो कि डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 31 अगस्त 1966 और समय ये बताते हैं 9:45 का रात का। सोहन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर, मैं सोहन लाल चित्तौड़गढ़ से। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, क्या मैं गोमेद धारण कर सकता हूँ क्या? पहला तो ये बताओ कि गंभीरी में पानी आयो कि नहीं आयो? पानी तो था, बारिश का रुकी हुई है। अच्छा। हाँ, और अभी ये अभी आपसे बाल सुई छींटे आ रहे हैं, बाहर छींटे बाहर आ रहे हैं। जी, वह बढ़िया माता रानी, बढ़िया, बारिश वारिश कर रही, चिंता विंता मत करो आप। तो बिजनेस के बारे में थोड़ा देखो, अब रही बात आपके प्रश्न की, केतु की महादशा आपको चल रही है, केतु की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है, ग्रहण योग बोलते हैं वो खत्म हो चुका और अब केतु में चंद्रमा का ग्रहण योग चल रहा है। गोमेद रत्न आप धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, या तो गोमेद धारण कर लें या लहसुनिया जो आता है केतु के लिए। मेरे हिसाब से चूंकि राहु और केतु इन दोनों को शांत करने के लिए गोमेद और लहसुनिया इन दोनों को एक साथ जड़वा लें और उसको आप धारण कर लीजिए, तो राहु केतु दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे और उससे आपकी जो रुकावटें हैं, अड़चने हैं,
समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि एक नियम मान लो, सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ कर लो, और अगर पाठ नहीं कर सको, इतना समय नहीं मिले, तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाने का नियम बना लो। वहां जाके हनुमान जी की आराधना करो, गुलाब के पुष्प की माला, नारियल, प्रसाद अर्पण करो, निश्चित तौर पर रुकावटें दूर होंगी। जी, आगे बढ़ते हैं पंडित जी। आराधना जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, अजमेर से ये कॉल कर रही हैं, बेटे के लिए जानना चाहती हैं। 22 नवंबर 2001 डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 8:14 का रात का समय बताती हैं। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, आपने सब कुछ अच्छा बताया, और मेरे को इसका एक तो गोमेद का रत्न कितने रत्ती का पहनाना है, और आपने जो दिए का बताते हैं ना राहु का, और नारियल का जो उपाय बताते हैं वो कितने दिन करना चाहिए, और इसका गुस्सा और इसका मन पढ़ाई में अच्छी तरह लगे पंडित जी वो बताइए ना, बहुत डिस्टर्ब हो रखा है बच्चा। देखिए बेटा आराधना, जहाँ तक आपकी हमारी पहले भी डिस्कशन हुआ, बेसिक चीज यही है कि गुरु राहु का चंडाल योग इस बच्चे के लग्न के अंदर बैठा है, राहु की महादशा चल रही है, और अब अगले 2 साल जो हैं वो आपको और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की महादशा 2 अगस्त 2018 अभी कुछ दिन पहले से ही अब